ये मैं कह रहा हूँ, ये सर सुबह से पड़ी है मैडम लाश और कोई देखने वाला नहीं, तो कई ऐसी लाश आ रही हैं जो छोड़ के भाग जाते, तो फिर भगत सिंह सेवा दल को ही, जिनसे हम भी जुड़े हुए हैं, राजन भट्ट जी हमारे साथी, मैं जुड़े हुए, तो हम जो हैं फिर यही करते हैं काम बेचारे। इनको कोविड भी हो गया इस चक्कर में, दम करके भाग जाते हैं, पैसा नहीं है, डर है, कई चीज़ें। Dead bodies lying around for hours, unattended, dumped by relatives in the old Simapuri cremation ground in East Delhi. While some relatives are seen waiting in queues to get their loved ones cremated, some others are nowhere to be seen. Many such bodies are cremated by strangers, good Samaritans, volunteers. The pandemic has brought out the best in humanity, and at times like this, it has also brought out the worst in humans. रात को जब काफी काम निपटने लग गया, एक बॉडी मेन गेट पे पड़ी थी। हमने अनाउंसमेंट भी किया, सबसे पूछा जितने लोग थे भी किसका बॉडी है, तो बोला ही नहीं। फिर हमने पुलिस को सूचना दी 100 नंबर पे, तो पुलिस आया तो उसके ऊपर ऐसे एक स्लिप लगा हुआ था, तो कहने लगे कि पोस्टमार्टम होके आई है, तो कोई ना कोई तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी क्रिमेट तो कर ही दो। ये बॉडी कल से पड़ी है, कल से पड़ी है। और ये आज सुबह से कुछ छोड़ के गया है, ऐसे ही छोड़ के चले गए, ऐसे ही छोड़ गए। आपको क्यों लगता है लोग ऐसे छोड़ के क्यों चले जाते हैं? देखिए, गुरबाणी में लिखा हुआ है कि अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। इंसान चोरी करता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, बेईमानी करता है, पैसे कमाता है, बच्चों को पालता है, और जब उसका वक्त आता है तो बच्चों के साथ ये हाल होता है। बच्चे ये करते हैं, ऐसे लाश को छोड़ के जाते हैं अपने पिता की। और मैंने बहुत कुछ देखा है कोविड में, बच्चों ने बाप की लाश को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जाते जाते किसी ने अंगूठी उतार ली, किसी ने अंगूठे पर साइन अंगूठे लगवा लिए। बहुत कुछ देखा है मैंने इसमें, जलालत। दिस डेड बॉडी हैज बीन लाइंग अराउंड सिंस यस्टरडे। डिग्निटी ऑफ द डेड वायलेटेड नॉट बाय स्ट्रेंजर्स बट बाय देयर ओन फ्लैश एंड ब्लड, देयर ओन किथ एंड किन। The duality of human nature can be seen in these cremation sites. Some wailing and mourning for their loved ones, and some other family members seen dumping dead bodies and disappearing in the blink of an eye. Arey mama, bandhan ko lao. And these workers, absolute strangers to the dead, are seen burning their own feet to cremate the dead. ये मेरा पैर का हाल है, देखिए ये मेरे पैर का हाल है, ये चलते थारे पड़ गए थारे इसमें, ये कैसे काम करवाते करवाते मैम, हम लोग अपने हाथों से ही क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे अपने हाथों से डेड बॉडी को अंदर ले जा रहे हैं और सारा कुछ हम लोग करते हैं इसमें, ये देखिए जी। इस वक्त ये है कि एकदम भीड़ आ रही है, डेड बॉडीज एकदम आती हैं, पांच पांच एक साथ आ रही हैं, छः छः एक साथ आ रही हैं, तो उनको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत भारी पड़ता है हम लोगों के लिए। स्टाफ हमारा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल काम करते हैं ना तो बस बुरा हाल है। This man, Jitendra Singh Shanti's driver, passed away due to COVID a few days ago. Three of his drivers and his manager are hospitalized due to COVID, but Jitendra continues to sleep in his car every night. He has been personally cremating dead bodies of victims who have been disowned by their own family members, and also of dead bodies of those victims whose relatives are hopelessly left in the lurch to fend for themselves. चार दिन पहले माता जी आई थी, कहने लगे बेटा 20 दिन पहले मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई थी और मेरा बेटा मर गया, मैं दोबारा विधवा हो गई। बेमौत मर रहे हैं, एक इलाज ना मिलने से, दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में एक बहन 22 साल की हैं, चूड़ियाँ तोड़ रही थी अपनी, एक बच्ची कार में अपने पापा की डेड बॉडी लेके आई, मुझे कहती है अंकल कितनी देर में क्रिमेशन हो जाएगा, मैंने कहा बस 2 घंटे लगेंगे अंकल, जल्दी करा दो,
मैंने कहा बेटा डेड बॉडी लाओ, कहती मैं कार में लाई हुई। मैंने कहा कार में को लाओ, तो कहने लगी हम ना कल रात से मैं और मेरा भैया पापा का इलाज करने के लिए सब हॉस्पिटल में गए, किसी ने एडमिट नहीं किया, कार में मर गए, खुद गाड़ी चला रही थी लड़की बेचारी। मैंने उसका कैमिशन कराया। एंड देन देर आर दीज अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ हीरोज, ऑफ कोविड वॉरियर्स, द वुड कैरियर्स, द पुअर क्रिमेटर्स हु आर ब्रेकिंग देयर बैक, फेचिंग वुड, लाइटिंग फ्यूनरल पायर्स ऑफ लिमिटलेस डेड बॉडीज। यहाँ पे जो भी आता हम डेड बॉडी को छोड़ के भाग जाते हैं, उसकी डेड बॉडी को हमें लकड़ी देनी पड़ती है, ठीक है, फिर वो लकड़ी को देने के बाद फिर वहाँ अंदर आग लगानी पड़ती है हमारे को वहाँ पे। अगर ना काम करें तो ये बॉडी सब ऐसी रखी रहेंगी मैडम यहाँ पे। और इस बीच में कितने बॉडीज जलाते हैं? करीब 120 105 ऐसे करते हैं। बदन टूट जाता है सारे, 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे में रेस्ट भी नहीं मिलता, खाना खाते हैं लकड़ी घेरो लकड़ी घेरो, सारे यूँ करते रहते हैं। सीधा लकड़ियाँ भरी, सीधा अंदर भेजा, अंदर भेजने का फिर भरी फिर भेजा। कोई आता है कि हमारी भर दो हमारी भर दो हमारी भर दो, हम कहते हैं सबका काम होगा, कोई नाराज होकर मत जाना। अपने कष्ट ले रहे हैं मगर कोई दिक्कत नहीं है, लकड़ी डालना हमारा काम है, फर्ज बनता है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है मैडम। दुख तो बहुत है मैडम, इतना दुख है कि बयान भी नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा कि ये दौर कैसे आ गया, क्यों आ गया, 60 साल के उम्र में आज देखने को ये मिल रहा है। ये लकड़ी अभी ख़त्म हो जाएगी घंटे में, ये एक घंटे में, हाँ जी एक घंटे में लकड़ी ख़त्म हो जाएगी। ये फिर लकड़ी देखो बाहर पड़ी, देखो रोड पे सामने भैया, आप कह रहे इतने सारे लकड़ी एक घंटे में खत्म होगा? मैडम यहाँ पे 100 क्विंटल लकड़ी डेली ख़त्म हो जाती है, बस डेली। While some family members dump dead bodies and run, some others are seen mourning helplessly. दिक्कत बहुत हुई मैडम कि ये है कि अब एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, शंटी जी ने एम्बुलेंस भेजी, वहाँ से डेड बॉडी यहाँ मंगाई, यहाँ संस्कार करवाया, और अब ये सोचते हैं इस टाइम में कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होना, हर कोई अपने आप को सेफ लेके चलना चाहता है। And in the midst of all this human suffering, most people are battling larger demons: corruption, apathy from the establishment, and complete breakdown of the government machinery. और हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोगों ने 1000 रुपए वाली एम्बुलेंस के 20,000 रुपए मांगने शुरू कर दिए हैं। हमारे दिल्ली की बात करूँ तो मैं, उन यार लिमिट होती है किसी चीज़ की, लेकिन मैं हैरान हूँ कि और देशों में सबको पता था कि दोबारा आया और बहुत तेज आया, यहाँ भी पता था पर कोई तैयारी नहीं की गई, बल्कि जो क्वारंटाइन सेंटर थे वो ऐसे बंद कर दिए बीच में आनन फानन में, जैसे कोई फेस्टिवल चला गया हो। प्रशासन को पता था, बाकी कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है कि जब दोबारा आया बहुत भयंकर तरीके से आया, और आपको समय भी मिल गया, 5-6 महीने समय मिला, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप ब्लड बैंक्स खोल सकते थे, प्लाज्मा बैंक खोल सकते थे, एम्बुलेंस ले सकते थे, आप वेंटिलेटर ला सकते थे, ऑक्सीजन के प्लांट लग सकते थे, कुछ लापरवाही। अभी जो चल रहा है इसको देख के मुझे लगता है कि इंसान नहीं मर रहे हैं, इंसानियत मर चुकी है, कि कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है इनकी तरफ, होपलेस होकर देख रहे हैं किधर जाएं। हॉस्पिटल वाले धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, मेरी एम्बुलेंस में कितने लोग मर गए। बुरा समय आ गया, इतना भयानक समय देश का आया है मानवता के ऊपर, अगर आज हम सेवा नहीं करेंगे तो देश हमको कभी माफ़ नहीं करेगा। लाख कमाए हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कितना ही बंदा हेरे फेरे कर ले, कुछ नहीं ले जा सकता साथ में, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है उसने। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स। व्हाइल स्कोर्स ऑफ पीपल कंटिन्यू टू सफर, इवन फॉर द डेड इट सीम्स द प्रॉब्लम्स आर प्लेंटी। लेफ्ट टू डाई बाय अ केयरलेस सिस्टम, डिजोन्ड बाय देयर ओन किथ एंड किन, बर्नड बाय स्ट्रेंजर्स, फ्लीस्ड बाय द ग्रीडी, there is absolutely no dignity in death for these victims. With Himanshu Kala, this is Prema Sridevi for The Probe.